लिस्ट को देख लेते हैं तो लिस्ट वन में यहाँ पर हमें केमिकल फॉर्मले दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी शेप की बात की गई है CH3F तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसका कैसा शेप आएगा ठीक है तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए यानी ए का सेकंड होना चाहिए बिल्कुल सही है इन्हें कैंसिल कर दीजिए आप उसके बाद HCO सॉरी माफ कीजिएगा HCHO ओके okay. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस तरीके से आएगा ठीक है तो यहां पर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर तो ये हो जाएगा बी वन तो यहां पर बी फोर है यहां बी वन है यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा आइए चेक करते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है यस बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है बाकी के मैच करने की कोई नीड नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी स्मॉल इनसॉलेबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मे बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड इज यूजिंग देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एग्जांपल मिल्क पर बिल्कुल सही बैठ रहा है जिसमें हम जो है क्रीम के कड़ों को पार्टिकल्स को अलग करते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए ये कि किस मेथड से जाएगा सेंट्रिफिकेशन से जाएगा ख अगर आप क्रिस्टलाइजेशन सोच रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर समुद्र का कोई पानी है या फिर खारा पानी है वहां पर उसके अंदर नमक है तो हम बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में उसको अलग करते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रभाजी आसवन की यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो ये क्या होता है मान लीजिए अगर दो अलग मतलब कि एक मिक्सर है ठीक है उसमें अलग अलग टाइप के मिक्सर्स पड़े हुए हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं तो फिर उन मिक्सचर्स से जो हम उनको अलग करेंगे दो या उससे ज्यादा लिक्विड्स को अलग करेंगे तो वो करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए डिकेंटेशन निस्तारण की अगर मैं बात करूं तो जो मोटे सॉलिड्स होते हैं जो कि इनसॉलेबल होते हैं किसी लिक्विड में तो उनको अगर अलग करना है इनसॉलेबल लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करना है तो डिकेंटेशन होगा तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए सी यस सी इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट डिटेक्टेड बाय ले टेस्ट यानी निम्नलिखित में से कौन से तत्व का पता से परीक्षण जिसको हिंदी में से बोलते हैं टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता है तो अगर मैं बात करूँ तो ये टेस्ट जो होता है इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं एक तरीके से इस टेस्ट को हम सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं कि एक नली में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जाता है और वहां पर यह टेस्ट किया जाता है तो इस टेस्ट को हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं सल्फर के लिए इस्तेमाल करते हैं और बताइए नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया हेलोजेंस हो गए फॉस्फोरस हो गया है ना सल्फर हो गया हेलोजेंस हो गए ठीक है फास्फोरस हो गया इसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो फ्लोरिन का ये टेस्ट आंसर नहीं दे पाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं इसी सोडियम फ्यूजन टेस्ट के द्वारा तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा यहां पर ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल आइसोमेरिज्म ठीक है तो यहां पर लिखा है एल्कोहल एल्डिहाइड्स, एल्काइल या फिर एल्किल हेल्ड हेलाइड्स और लास्ट में है साइनाइड्स तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग जी जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो मेंशन है आइसोमेरिज्म आखिर ये है क्या आइसोमेरिज्म ऐसे समझिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेम नंबर या फिर आप बोल सकते हैं सेम टाइप के एटम तो हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है अलग अलग है ठीक है ये हो गया हमारा आइसोमेरिज्म ठीक है एल्कोहल तो आप लोग जानते हैं एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किस में होता है ओ OH में होता है किस में होता है ओ OH जैसे मैं मेथिल एल्कोहल की बात करूं या फिर एथिल एल्कोहल की बात करूं तो ओ OH होता है तो हमारा ये आंसर नहीं होगा और बताइए हमारा आंसर क्या बन सकता है जल्दी से बताइए ठीक है ये. ये हो गया अब अगर मैं बात करूँ अच्छा हाँ एल्कोहल ग्रुप को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एल्किल हेलाइड्स तो यहां पर क्या होगा इनका फंक्शनल ग्रुप होगा आरएक्स इनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आरएक्स हो जाएगा ठीक है साइनाइड्स का अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा ये हो गया साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए ठीक है अब क्या बचा हमारा एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये हमारा एल्डिहाइड्स का हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए सी हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए चलिए चेक करते हैं इसे यस सी ही हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है तो फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ठीक है ओके न्यूमन प्रोजेक्शन कैन बी रिप्रेजेंट स्ट्रेक्ट ये सही है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्मेशन ये गलत है यानी अगर हमें यहां पर देख रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो मुझे ये गलत लग रही है सी स्टेटमेंट यस सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर होगा गुड इवनिंग सभी को जय हिंद सिद्धार्थ सलोनी सभी को गुड इवनिंग अगला क्वेश्चन है द मोनोमर या फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन सिक्स अगर देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बता दू अगर यहां पर बात हो रही होती नायलॉन यहां पे लिख देता हूं अगर बात हो रही होती नायलॉन सिक्स सिक्स की तो फिर आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता हेक्सा मैथिली डायमिन मैथिलीन डायमिन एंड एडिपिक एसिड ठीक है हाँ ये आंसर हो जाता है अच्छा जैसे मान लीजिए इनका जब हम इन दोनों को लेते हैं जैसे एडिपिक एसिड को ले लिया हमने या फिर हेक्सा मिथाइलिनी डायमिन को हमने ले लिया तो फिर यहां पर इनका जब हम पॉलिमाइजेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा यहां पर बनेगा डायलॉन सिक्स सिक्स बनेंगे ठीक है इनके केमिकल फॉर्मले आप लोगों को याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं इधर लिख देता हूं इधर ही लिख देता हूं केमिकल फॉर्मले इधर लिख देता हूं के एसिड का केमिकल फॉर्मला लिख देता हूं ठीक है आप भी मुझे कमेंट करके केमिकल फॉर्मला बताने की कोशिश करिएगा सी एच टू फोर थोड़ा सा गलत लिख रहा है ये पेन से लिख नहीं पा रहा है तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग ठीक है ठीक है तो ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड का हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का बताइए क्या केमिकल फॉर्म होगा जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन बताएगा जल्दी से कौन कमेंट करके बताएगा जल्दी से बताइए ओ सॉरी ठीक है तो ये हमारा हो गया अब इनका क्या होगा अगर मैं बात करूं तो इनका होगा पॉलिमराइजेशन और यहां पर क्या बनेगा पॉलिमराइजेशन के बाद बनेगा यहां पर आपका नाइलॉन सिक्स सिक्स इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं ये टू है और ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड ठीक है तो हमारा फिलहाल आंसर नाइलॉन सिक्स के लिए अगर बात हो रही है तो ये हो जाएगा कैप्रोलैक्टम हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा नायलॉन सिक्स जो होता है ये प्रोड्यूस होता है क्या जो रिंग होते हैं ओपनिंग चेन के ठीक है पॉलीमराइजेशन के किसके Caprolactam. इनका क्या होगा वाटर की प्रेजेंस जो वाटर पेपर होगा उनकी प्रेजेंस में जब एसिड के साथ पॉलिमराइजेशन कराया जाएगा तब बनेगा नायलॉन सिक्स तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बी होगा यस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सिद्धार्थ जी जय हिंद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच अमंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ यानी कौन सा तारा अर्थ के नियर है तो सीरियस है ना आर्क्यूटरस या फिर स्पाइका या फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तो हमारा डी आंसर सही होना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास यानी सबसे कम मास है तो नेपच्यून ठीक है जुपिटर ये तो सबसे बड़ा है मार्स मंगल या फिर मरकरी ठीक है मैं इनके कुछ मास आप लोगों को लिखता हूँ आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किसका मास ज़्यादा हो गया या फिर किसका मास कम हो गया ठीक है आप खुद ही मुझे बताइएगा तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए नेपच्यून का मास कितना है तो ये होता है वन पॉइंट ज़ीरो टू इंटू टेन टू दावर ठीक है और आपको मैं बता दूं कि ये जो आंसर आएगा ये किलोग्राम में आएगा छब्बीस ठीक है ये हो गया जुपीटर का थोड़ा सा ज़्यादा है जुपीटर का इधर लिख देता हूं जल्दी से बताइए क्या होगा जुपिटर का मास जुपिटर का मास बताइए कमेंट करके हाँ इसकी पावर ट्वेंटी सेवन रहेगी ध्यान रखिएगा अब पावर टेन की ट्वेंटी सिक्स है या फिर इधर ट्वेंटी सेवन है तो फिर जुपीटर जो हो गया वो नेपचोन से ज़्यादा हो गया ये वन पॉइंट नाइन ज़ीरो हो गया मार्स का वेट बताइए क्या है मार्स का जल्दी से बताइए मार्स का बताइए मंगल ग्रह जो है इसका वेट बताइए कितना है कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को तो ये पावर ट्वेंटी थ्री होती है सिक्स पॉइंट फोर लगभग मैं आप लोगों को ये जो डेटा दे रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट में दे रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा होगा ठीक है और मरकरी का जो है इसका बताइए मरकरी का बताइए तो ये ट्वेंटी थ्री है मरकरी का भी सेम थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो अगर मैं इन चारों में बात करूं तो सबसे कम जो है वो मरकरी हो गया बुद्ध हो गया अच्छा इसके साथ साथ जब हमने इतना जाना है तो अर्थ का बताइए अर्थ का मास तो आप लोगों को पता होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए अर्थ का बताइए अर्थ, अर्थ का पावर ट्वेंटी फोर है और ये है फाइव पॉइंट नाइन सेवन लगभग छः के करीब है फाइव पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर के जी ठीक है तो ये अर्थ का है तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर डी होगा यस yes, डी होगा करेक्ट ठीक है चलिए एक एनिमेशन देखते हैं यहाँ पर सन है और सन के चारों तरफ जो है अपनी कक्षा में अपने ऑर्बिट में देखिए जो है सारे ग्रह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मैंने अर्थ भी दिखाया है आप लोगों को ठीक है देख पा रहे हैं तो कैसा लगा ये एनिमेशन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सॉलिड पीस ऑफ पीस सॉरी फिर से पढ़ता हूं टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेस वन ऑफ गोल्ड एंड अदर सिल्वर वैन इमर्ज कम्प्लीटली इन वाटर और ये क्या दिखाते हैं एग्जिबिट इक्वल वेट ठीक है यानी एक सॉलिड टुकड़ा है गोल्ड का और एक सॉलिड टुकड़ा है किसका सिल्वर का उसको जैसे ही आपने पानी में अंदर डुबाया पूरी तरीके से डुबा दिया तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इनके वेट क्या है इक्वल है वैन वे इन एयर अब इनके वेट अगर मैं एयर में बात करूं किसका जो एक टुकड़ा मैंने सोने का लिया था और एक टुकड़ा मैंने चांदी के लिया था अब इनकी बात मैं किस में कर रहा हूँ एयर में कर रहा हूँ तो आपको बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा जो कि अगली स्लाइड पर है मैं रिजल्ट देख लूंगा यहाँ दिया भी गया है डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन सिल्वर ठीक है तो यहाँ पे लिखा है गोल्ड पीस विल वे मोर यानी गोल्ड पीस ज़्यादा होगा वेट में सिल्वर पीस ज़्यादा होगा बी ऑप्शन कह रहा है या फिर दोनों गोल्ड और सिल्वर के वे इक्वल होंगे या वेइंग विल डिपेंड ऑन देयर मास ठीक है तो अब बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा समझ में आ रही है बात आप लोगों को चलिए इन्होंने वैसे हमें क्वेश्चन में ये दे तो दिया है कि गोल्ड जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ये अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे बता दिया है लेकिन पहले एक बात समझिएगा जैसे ये एक टुकड़ा है ठीक है अब अगर इसे मैं पानी में डुबोता हूं पूरी तरीके से तो समझिए यहां पर क्या होगा यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ बात समझ में आ रही है नीचे की तरफ क्या लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऊपर क्या लगेगा जल्दी बताइए ऊपर की तरफ ये पीस लगाएगा रामलाल राम राम जल्दी तो यहां पे एक फोर्स लगेगा ठीक है बायंसी फोर्स भी आप इसे बोल सकते हैं अब यहां पे समझिएगा आप लोग बायंट फोर्स जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है कैसे निर्धारित होता है वॉल्यूम के द्वारा निर्धारित होता है ठीक है और ग्रेविटी जो होगा ये किसके द्वारा डिटरमाइन होगा ग्रेविटी डिटरमाइन होगा मास के द्वारा ठीक है अब यहां पर आप लोगों को एक डेंसिटी का फॉर्मूला और पता होना चाहिए तो अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है इतनी बात समझ में आ रही है मास अपॉन वॉल्यूम हो गया अब ये जो बाय फोर्स होता है ये तो पानी के अंदर होता है हवा में तो ये होगा नहीं इतना तो हमें मालूम होगा अगर मैं डेंसिटी की बात करूं वैसे तो यहां पर लिख दिया है कि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सिल्वर लेकिन फिर भी हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए अगर मैं सिल्वर की डेंसिटी की बात करूं तो ये दस दशमलव उनचास टेन पॉइंट फोर नाइन के आसपास जाएगा ठीक है ग्राम सेंटीमीटर सॉरी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये मास हो गया अगर यही मैं सोने की बात करूं तो सोने की डेंसिटी कितनी होगी जल्दी से बताइए सोने की डेंसिटी कितनी होगी 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ठीक है अब आप यहां पर सोचिएगा सिल्वर जो होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में किसके कंपैरिजन में गोल्ड के कंपैरिजन में क्यों क्योंकि आप देख सकते हैं कि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है ठीक है और यहाँ पर सिल्वर की डेंसिटी कम है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा होगा अब अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा आप समझिएगा तो यहाँ पर जो है सिल्वर का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा आएगा तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए बी हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि देखिए पानी के अंदर दोनों के वेट सेम आ रहे हैं यानी सोचिए कि पानी के अंदर जितना वॉल्यूम इसका है बड़ा वॉल्यूम है तब इसके अंदर इतना मास आ पा रहा है इसका वॉल्यूम छोटा है तब इसके अंदर इतना मास आ पा रहा है डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बाय सी फोर जो है वो किस पे ज्यादा लगेगा सिल्वर पे क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा है तो एयर में आपका आंसर बी सही आना चाहिए ठीक है बी जो होगा उसका वेट ज़्यादा होगा सॉरी मैं इसका करेक्ट आंसर देखता हूँ यस बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है अब यहाँ बात हो रही है वेव की इफ द वेव लेंथ टू अल्ट्रावायलेट विजुअल एंड इंफ्रा रेड रेडिएशन आर गिवन ठीक है लेम्डा यू और वी आई एस एंड लेमडा आई फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग अगर मैं यहां पर स्पेक्ट्रम की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की होती है आप लोग जानते हो ठीक है रेडियो वेव की होती है उसके बाद क्या होता है माइक्रोवेव का ज्यादा होता है सॉरी माफ कीजिएगा कम होता है माइक्रोवेव रेडियो का सबसे ज्यादा होता है उससे कम माइक्रो होता है माइक्रो के बाद इन कौन आएगा जल्दी से बताइए माइक्रो के बाद इंफ्रा आएगा इसका वेव कम हो जाएगा इंफ्रा के बाद विजुअल लाइट आएगा ठीक है तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ विजुअल आएगा विजुअल के बाद बताइए इंफ्रा रेड विजुल फिर और वेव लेंथ कम आ जाएगा कौन हो जाएगा इधर लिख देता हूँ अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा अभी अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा और नीचे जाएंगे तो और वेव कम हो जाएगा जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक्सरे हो जाएगा उसका वेव और कम हो जाएगा और नीचे जाएंगे तो गामा का वेवलेंथ और कम हो जाएगा तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट बोला है विजुअल बोला है और इंफ्रा रेड तो सबसे ज़्यादा इंफ्रा रेड का है यानी आई आर पहले आना चाहिए ठीक है तो आई आर का वेवलेंथ ज़्यादा है किससे उल्टा चल रहा है यहाँ पर यू वी से अल्ट्रा पहले अल्ट्रा वायलेट फिर विजुअल और फिर ये तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए डी यस yes, डी ही राइट right आंसर है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड गेट एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हंड्रेड ठीक है हंड्रेड वोल्टेज की बात कर रहा है द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर वीई यानी इलेक्ट्रॉन को ई e से दिखाया है प्रोटोन को पी e से दिखाया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की वो क्या होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास की अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है किससे प्रोटोन के मास से क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास में अगर आपको पूरी वैल्यू याद नहीं है नाइन पॉइंट समथिंग जो होती है बट आपको ये तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास में टेन टू दावर माइनस थर्टी वन होता है जबकि प्रोटोन में माइनस ट्वेंटी सेवन होता है तो अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास किस फॉर्मले से देखिए जो वर्क डन हो रहा है जो वर्क डन हो रहा है अगर उसको हम काइनेटिक एनर्जी में लेके चले तो हाफ एम वी स्क्वायर ये वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की और ये किसके बराबर होगा जो क्यू चार्ज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी तो आप देख सकते हैं कि ये मास जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब इधर जाएगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होना होगा तो इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन तो हमारा पहला रिजल्ट बिल्कुल सही है ठीक है ए रिजल्ट बिल्कुल सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ देखो मिल्क जो होता है दूध जो होता है ये इमल्सन का सबसे अच्छा उदाहरण है तो फिर इमल्सन अगर मिल्क की बात हो रही है तो आंसर क्या होना चाहिए टू लिक्विड्स आंसर क्या होंगे टू लिक्विड सी जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखिए अगर मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम अब ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस है ये किसका काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक का काम होता है और हमें यहाँ पर नॉट का ही आंसर स्टूडेंट्स देना था तो फिर हमारा सी ही आंसर होगा क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का बिल्कुल सही है और वेस्टेज को भी बाहर करता है स्टोरेज भी करता है लिपिड्स को सिंथेसिस करता है और स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी करता है तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम के हैं तो हमें नॉट का आंसर देना है तो हमारा आंसर फिर सी करेक्ट होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आप लोगों को याद हो जब कल मेरी क्लास हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था लाइसोसोम पे जब क्वेश्चन हुआ था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी डी डूबे साइंटिस्ट ने की थी मैंने आपको यह भी बताया था कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स है ना लाइपेज आ याद आ रहा है तो ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं कुछ याद आ रहा है लिपिड्स के डाइजेशन में न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो लाइसोसोम और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्यों सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को क्योंकि अगर कोई सेल मान लीजिए रिपेयर नहीं हो सकता या फिर वो डेड सेल है तो इसके अंदर मौजूद एंजाइम क्या करेंगे उस कोशिका का भक्षण करेंगे उस कोशिका को नष्ट कर देंगे डेस्ट्रॉय कर देंगे इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है सुसाइड बैग भी कहा जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर सी होगा क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटीज लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स तो ये क्या होते हैं ये एसिडिक एंजाइम होते हैं तो हमारा आंसर सी होगा कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था और बहुत डिटेल में पढ़ा भी था आइए अब हम एक एनिमेशन देखते हैं यहां पर लाइसोसोम के अंदर देखिए किस तरीके से डाइजेशन करता है इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया लिपिड्स हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया इन सब का किस तरीके से डाइजेशन करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के इस एनिमेशन से लाइसोसोम परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है तो कैसा लगा आप लोगों को एनिमेशन अच्छा लगा होगा आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ ग्रिथ इन द स्टेम ऑफ प्लांट यानी अगर कोई पौधा है इस तरीके से प्लांट है उसका कोई तना है तो उसमें इस तरीके से जो ग्रिथ है वो बढ़ रही है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर लेटरल मैरिज स्टेम होना चाहिए बात समझ में आ रही है पूजा जी गुड इवनिंग अभिजीत राम राम ठीक है तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो या तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं सेल डिवीजन पे डिपेंड होते हैं या फिर वो होते हैं परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू भी सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं जाइलम जो होता है वो पानी के ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है और फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों के द्वारा जो है जाना जाता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए समझ में आ रही बात तो अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक होता है एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो पौधे की यानी प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है ठीक है अब बात आती है इंटर कैलरी मैरिज ये क्या करता है तो इंटर मैरिज सॉरी माफ कीजिएगा <coughs> सॉरी इंटर कैलरी मैरिज जो होता है वो इंटर नोड्स के बीच की हाइट बढ़ाता है इंटर इंटरनोट्स समझते हैं जैसे यहाँ पर पत्तियाँ लगी गई हैं आप देख लीजिए यहाँ पर है और यहां पर हैं तो इनके बीच में जो ये आ रहा है ये इंटरनोड्स होते हैं ठीक है तो इनकी हाइट बढ़ाता है अब लेटरल यानी अगर हमें तने को इधर चारों तरफ से बढ़ाना है है ना उसके घेरे बढ़ाने हैं तो फिर हमारा आंसर क्या होगा लेटरल मेरिस्टेम होगा क्लियर है बात तो अगर मैं बात करूं कि मेरिस्टेमेटिक में एपिकल आता है इंटरकैलरी आता है और लेटरल आता है तो मैंने आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं डी हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक मोड समझते हैं क्या होता है मृतो पर देखिए यहां लिखा होगा मृतो जीविक भी बोलते हैं परजीवी भी बोलते हैं ऐसे वनस्पति जो सड़ गए हैं गल गए हैं चाहे वो प्लांट के हों ये वनस्पति हो या फिर वो किसी मृत जानवर के हों अगर उस पर कोई जीव डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोला जाता है सेप्रोफाइटिक मोड कहा जाता है ठीक है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा एग्रिकस यूलोथ्रिक्स रिक्सिया या फिर लास्ट में है कैलेडोफोरा तो हमारा आंसर जो होगा ए सही होना चाहिए जो मशरूम होता है उसी की बात यहां पर जी हाँ हो रही है हमारा आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर यहां पर ए होगा यस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अयोलैटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए बायोलेट्रल सिमेट्री क्या होती है सिंपल जैसे अभी मैं आप लोगों को सामने दिख रहा हूं अगर मुझे इस तरीके से देखा जाए तो जो मेरे राइट right हैंड पे जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही मेरा लेफ्ट हैंड पे भी पूरी बॉडी में स्ट्रक्चर होगा जैसे ये ह्यूमन है ये क्या है बायोलेट्रल सिमेट्री है लेकिन रेडियल सिमेट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार में देख सकते हैं कि एक रेडियल सिमेट्री है ठीक है देखिए यहाँ पर एक रेडियल सिमेट्री बन रही है देखिए इस तरीके से तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एसट्री रेस ये रेडियल होती है सी एनेम ये भी रेडियल होगा इकाइनस ये भी रेडियल होगा लेकिन नेरिस नेरिस जो है इसकी सिमेट्री कैसी होगी इसकी सिमेट्री होगी आपकी बायोलेट्रल और ये किस फाइलम में आता है अगर मैं नेरिस की बात करूं तो जल्दी से बताइए इसके फाइलम का नाम क्योंकि अगर आपको फाइलम वाइज याद रहेगा तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और अगर किसी भी बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो मैंने आप मेरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम देखिएगा मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसको आप देखिएगा प्ले भी बनी हुई है वहाँ पर मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मैंने फाइलम्स में बांटा हुआ है लोगों को सॉरी लोग कह रहा हूँ ऑर्गेनिजम्स को है ना उनके खाने के आधार पर बांटा गया उनकी जो उनके शरीर का स्ट्रक्चर है उस आधार पर मैंने बांटा है तो मैंने बांटा नहीं मतलब मैंने पढ़ाया है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो इसका फाइलम जो होगा वो एनीलिड होगा ठीक है आ रही बात समझ में तो आप वहां पर हमारी क्लास देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है यस सी इज करेक्ट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड देखिए जो मैमल्स होते हैं या पक्षी होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं रेप्टाइल्स की बात करें या एम्फीबियंस की बात करें वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो क्रोकोडाइल तो ये क्या हो गया क्रोकोडाइल रेप्टाइल हो गया तो ये कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा डॉग फिश हैक फिश कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे ऑस्ट्रिच कछुए की बात करें तो एम्फीबियन में आते हैं ऑस्ट्रिच पक्षी में आता है बट कछुआ जो है वो एम्फीबियन में आएगा तो ये कोल्ड ब्लडेड हो गया पिकॉक जो है पक्षी हो गया कैमल जो हो गया मैमल हो गया तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ये होंगे वार्म ब्लडेड ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं वेन हॉट वाटर इज प्लेस्ड इन टू एन एमटी वाटर बोटल यानी एक वाटर बोटल है जो खाली है उसके अंदर हमने हॉट वाटर डाल दिया है बोटल प इट्स शेप एंड डॉट सॉफ्ट यानी बोतल जो है उसका शेप भी नहीं बदला है और वो सॉफ्ट भी नहीं है तो सीधी सी बात है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होगी वॉट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज द वॉटर बोटल मेड तो यहां पर देख सकते हैं आप थर्मो प्लास्टिक नहीं पीवीसी भी नहीं होगा है ना पॉलिथरीन भी होगा थर्मोसेटिंग होगा ये किसका बना होगा थर्मोसेटिंग का बना होगा डी क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है एक बार गर्म हो गई दोबारा जब आप इसे ठंडा करके अगर आपको रीसाइज करना है या कोई दूसरी रीशेप देनी है तो आप नहीं दे सकते हैं। तो डी हमारा सही आंसर होगा ठीक है ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हो बहुत ही आसान है वन कार्बन क्रेडिट इज एक्सेप्टेड एस इक्विल टू तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के होगा और वन होगा वन थाउजेंड के तो हम देख सकते हैं हंड्रेड के कार्बन नहीं हंड्रेड के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं वन होना चाहिए क्योंकि वन कार्बन क्रेडिट वन थाउजेंड होना चाहिए तो यहां पर कार्बन है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो डी डी हमारा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल क्या है ठीक है देखते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न है इक्वी डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम अर्थ इन द स्काई नहीं अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इक्विटेंस स्टार फ्रॉम द अर्थ नहीं आ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार दैट मे नॉट बी डिस्टेंस बिल्कुल सही है हर एक स्टार सेम डिस्टेंस पे हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ठीक है तो ये मुझे सही लग रहा है बी वाला फिर भी हम सी पढ़ लेते हैं आ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ प्लानट तो ठीक है प्लानट का नहीं होगा स्टार्स का होगा तो सी भी नहीं है आप पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार

ऑनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल सही है एंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन नो एंटायर इलास्टी नो इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है प्लास्टिक का तो कोई मतलब नहीं है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा हुक्स लॉ जो है प्रपोर्शनल होता है ऐसे रीजन के जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो ह्यूमंस में क्या करेगा अगर मैं बात करूं तो ये अपने ही ह्यूमंस की बात करूं तो क्रोमोसोम को एक पर्टिकुलर शेप प्रदान करता है यानी जो जिन होता है जो कि क्या है बेसिक यूनिट है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जिन ठीक है तो इस जिन की एक्टिविटी को क्या करेगा कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटी को क्या करता है हिस्टोन प्रोटीन कंट्रोल करता है साथ के साथ जो क्रोमो होता है साथ के साथ जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या करता है उसकी शेप का निर्धारण करता है अब ये क्रोमोसोम होता क्या है जैसे कोई सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है नाभिक होता है और वहां पे पाए जाते हैं क्रोमेटीन के धागे यानी थ्रेड्स अब क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटीन के धागे क्या होते हैं टूट जाते हैं और सिकुड़ के मोटे हो जाते हैं और तभी इनको क्या कहा जाता है क्रोमोसोम टोटल तेईस पेयर क्रोमोसोम पाए जाएंगे ह्यूम्स में जिसमें बाईस पेयर क्रोमोसोम सेम गुणों को कंसिडर करते हैं मतलब कि जो तेईसवां क्रोमोसोम होगा वो लिंग निर्धारण करता है अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल ठीक है तो देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइट्रोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन गलत है हिस्टोन आर प्रोटीन दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बिल्कुल मैंने बोला था न्यूक्लियस में क्रोमेटीन के धागे होते हैं जो टूट के क्रोमोसोम बनाते हैं और क्रोमोसोम के ही सेब डिसाइड करा जाता है प्रोटीन जो कि हिस्टोन है ठीक है स्टोन आर प्रोटीन एसोसिएट विद lipids छोड़ दीजिए स्टोन आर प्रोटीन एसोसिएट विद कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसोल नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है हमारा करेक्ट आंसर बी है ठीक है जितना मैंने समझाया उ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो आर बी सी में पाया जाता है अगर मैं बात करूँ ठीक है और हीम जो है ये पिगमेंट हो गया ग्लोबिन प्रोटीन हो गया ठीक है तो आइए इसको पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आर कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन ये गलत है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है है ना हीमोग्लोबिन ऑफ आर कैन कैरी बोथ तो ये मुझे सही लग रहा है लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने हैं पढ़ने हैं सेफ साइड रहना है हीमोग्लोबिन ऑफ आर कैन कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गलत है हीमोग्लोबिन इज ओनली

इधर ऑब्जेक्टिव लेंस है फिर कंडेंसर होगा बॉडी ट्यूब होगी और आई पीसिस होगा ये सही है बी ठीक है इधर कंडेंसर से शुरू हो रहा है छोड़ दीजिए ये तो आई पीस से शुरू हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत है बी सही है आंसर तो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे फिनिश हो गई मैंने आप लोगों को ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा और अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं एम की तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए क्योंकि एम बाइब की अप्लीकेशन पर आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है हमारी क्लासेस मिलती हैं जो कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं और प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनके रिज़ल्ट ए बेस्ड हैं प्रैक्टिस के लिए ई e बुक मौजूद है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो ए सजेस्ट करेगा इसके अलावा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एम बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना है इस चैनल पे आप लोगों को हमारी क्लास की नोटिफिकेशन के लिंक और हमारी क्लास की पी आप लोगों को मिलेंगी तो प्लीज इस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं फिनिश करते हैं जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तब तक पढ़ते रहिए कीप एग बी बिलीव इन यूविंग